हाय एवरीवन, वेलकम टू अड्डा स्कूल। आप सभी लोगों का अड्डा स्कूल पर बहुत 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 सारा वेलकम है। सो मैं एक बार बोलना चाहूंगी, सभी स्टूडेंट जल्दी जल्दी हमारे साथ यहाँ पर कनेक्ट हो जाएंगे, देन विल स्टार्ट अप विद द सेशन। ओके, तो बेसिकली आज आप लोगों का इन शॉर्ट अगर आप बोलो तो फर्स्ट डे है। वो स्टूडेंट जो क्लास 11 से 12th में पहुंचे हैं उनका, और हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। सो विल स्टार्ट अप विद द वेरी फर्स्ट चैप्टर, एंड द फर्स्ट चैप्टर विच वी आर गोइंग टू टेक इज द लास्ट लेसन। ठीक है, ये आपकी फ्लेमिंगो बुक का फर्स्ट चैप्टर है, और इस चैप्टर में हम लोग पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देखेंगे इस चैप्टर का, और जितने भी हार्ड वर्ड्स बीच में आएंगे उनको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, आपका ये चैप्टर थोड़ा लंबा है, सो वी हैव टेकन इट इन टू पार्ट्स, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक बार सभी लोग मुझे फटाफट कॉमेंट सेक्शन में आंसर करके बता दीजिए कितने सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर मेरे साथ कनेक्टेड है। ओके, हाय गौरव, हेलो गौतम, हाय नकुल, हाय एवरीवन। सो आई होप एवरीबॉडी इज रेडी फॉर दिस सेशन। हेलो, सो द लास्ट लेसन आपका ये जो चैप्टर है ये फ्लेमिंगो बुक का फर्स्ट चैप्टर है, एंड दिस चैप्टर इज रिटन बाय अल्फोंसो डॉट। ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल कि आप जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो उसके राइटर के नेम को बहुत अच्छे से लर्न करो, बिकॉज ये आपको हेल्प करता है टू मेक योर लॉन्ग आंसर्स। ठीक, जब आप एग्जाम्स में क्वेश्चंस करने बैठोगे तो लॉन्ग आंसर्स आएंगे, लॉन्ग आंसर्स में आप बहुत अच्छे से इसका रेफरेंस लेते हुए अपने आंसर की कनेक्टिविटी को बना सकते हो, लिख सकते हो ना। तो बेसिकली पूरे चैप्टर में मैंने क्या बोला आपसे कि हम लोग वर्ड बाय वर्ड एक एक चीज पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन एक एक चीज को कवर करेंगे, प्लस आई विल टीच यू ऑल दी हार्ड वर्ड्स विच विल कम इन बिटवीन। ठीक, बीच बीच में जब मैं एक स्लाइड कंप्लीट करूंगी तो आप लोगों से पूछती भी रहूंगी, अगर आपका कोई डाउट होगा तो वो मेरे से आप कनेक्ट करके पूछ लोगे। राइट, सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ऑथर के बारे में डिस्कशन करते हैं, व्हाट द स्टोरी इज सेइंग, एक शॉर्ट इंट्रोस का लेते हैं। तो बेसिकली इफ वी टॉक अबाउट अल्फोंसो डॉडेट, हु इज द राइटर ऑफ द स्टोरी, ही वॉज बोर्न इन 1840 एंड ही डाइड इन 1897। इनका जन्म जो हुआ था वो 1840 में हुआ था, और इनकी डेथ जो हुई थी दैट वॉज इन 1897। ही वॉज अ फ्रेंच नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर्स। तो एक तो ये नॉवल्स लिखते हैं, और दूसरा ये क्या काम करते थे, ये शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, मतलब छोटी छोटी स्टोरीज इन्होंने बहुत सारी लिखी हैं। इनमें से एक शॉर्ट स्टोरी आप यहाँ पर पढ़ रहे हो, दैट इज द लास्ट लेसन। ठीक है, तो बेसिकली ये जो लास्ट लेसन है यहाँ पर आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा, काफ़ी कुछ लर्न करने के लिए मिलेगा। क्या क्या चीज़ें लर्न करने के लिए मिलेंगी वो मैं बताती हूँ। बेसिकली इस स्टोरी में आपको एक लड़का दिखाया गया है, छोटा सा लड़का जो अपने स्कूल जा रहा है अपने टीचर से पढ़ने के लिए, लेकिन उसको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, एंड ही इज़ गोइंग टू लर्न फ्रेंच। ठीक है, तो जब उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो जब स्कूल अपने पहुंचता है तो वो क्या देखता है कि जो उसके टीचर हैं वो उसकी क्लास का आखिरी लेसन ले रहे हैं। आखिरी लेसन मतलब आज के दिन उनकी लास्ट क्लास है, आज के बाद वो स्कूल में कभी नहीं पढ़ाएंगे, और आज के बाद उसके स्कूल में फ्रेंच ही कभी नहीं पढ़ाई जाएगी। तो वो बहुत सैड हो जाता है, बहुत दुखी हो जाता है, एंड ही वॉज लाइक क्या अब मैं कभी भी फ्रेंच नहीं पढ़ पाऊंगा। आई नो ये वाली चीज़ आप लोगों के साथ भी बहुत बार होती होगी, आप पूरे टाइम स्कूल में पढ़ रहे होते होगे, फिर आपको पता चलता होगा बीच में कोई एक ऐसा टीचर है जो अब आपको लास्ट टाइम पढ़ा रहा है, आज के बाद कभी नहीं पढ़ाएगा। तो ऑल ऑफ द सडन हमारा इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है उस टीचर को सुनने में कि वो टीचर हमसे क्या कहना चाहता है या वो टीचर हमसे क्या बोलना चाहता है। राइट, तो ये स्टोरी भी कुछ ऐसी ही है, जो बच्चा आपको दिखेगा वो अपने टीचर से लास्ट टाइम फ्रेंच का लेक्चर ले रहा है, और ये बहुत ही दुखी हो गया है क्योंकि आज के बाद इसके स्कूल में ये टीचर कभी नहीं पढ़ाएंगे। तो ये बच्चा आपको पूरी की पूरी स्टोरी नरेट करता हुआ दिखाई देगा, और वो बताएगा कि किस तरह से उसके स्कूल का माहौल था, और उसके टीचर्स देखने में कैसे लग रहे थे, और क्या क्या उसको स्कूल में हो रहा है या स्कूल के बाहर जो चीज़ें हो रही हैं वो सारी चीज़ें वो यहाँ पर मैंशन करेगा। ठीक, अब मैटर करता है कि ये स्टोरी कहाँ पर सेटअप करी गई है और किस तरीके से इसे पूरी का पूरा ऑर्गेनाइज किया गया है वो हम लोग जान लेते हैं एक बार। इट इज सेड दैट द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रांको प्रशियन वॉर। तो लास्ट लेसन ये स्टोरी तब लिखी गई जब फ्रांस और प्रशिया के बीच में एक युद्ध छिड़ा हुआ था, जंग छिड़ी हुई थी, लड़ाई छिड़ी हुई थी। वो टाइम कौन सा था, इट वॉज द टाइम ऑफ 1870-1871। दिस वॉज द टाइम जब फ्रांस और प्रशिया एक दूसरे से लड़ रहे थे, लड़ाई कर रहे थे। In which France was defeated by Prussia, led by Bismarck. तो उस समय जो प्रशिया था उसको लीड करने वाला बंदा कौन था, जो लीडर था वो कौन था, ही वॉज बिस्मार्क। तो जिस टाइम प्रशिया को बिस्मार्क लीड कर रहा था उस टाइम पे प्रशिया ने फ्रांस को हरा दिया था।
नाउ आप जस्ट इमेजिन करो इसको कि जब किसी जगह पर कोई रूलिंग आती है, दूसरी रूलिंग कब आती है, जब हम सामने वाली पार्टी को हरा देते हैं। तो सपोज दो पार्टीज आपस में लड़ रही थी, एक पार्टी हार गई दूसरी पार्टी जीत गई, तो जीतने वाली पार्टी ने हारने वाली पार्टी को पूरी तरीके से कैप्चर कर लिया, उसकी जगह को कैप्चर कर लिया, जो कुछ भी था उसके आसपास वो सब कुछ उसने कैप्चर कर लिया, राइट। तो फ्रांस हार गया था, प्रशिया की जीत हुई थी, उस समय जो लीड कर रहा था वहां पर वो कौन था, ही वॉज बिस्मार्क। और आपको बता दूं प्रशिया इज द ओल्ड नेम ऑफ जर्मनी। प्रशिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशन ऑफ जर्मनी। प्रशिया में वो चीज, वो पार्ट्स आते थे जो अब जर्मनी का पार्ट है, कौन कौन से, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अल्सास एंड लॉरेन हैव पास्ड इन प्रशियन हैंड। और आपको यहां पर स्टोरी में क्या पता चलेगा कि जो फ्रांस है, फ्रांस के दो आपको डिस्ट्रिक्ट दिखाई देंगे, अल्सास और लॉरेन, इसके ऊपर अब किसका कब्जा हो गया है, प्रशियंस का कब्जा हो गया है, क्योंकि प्रशिया ने हरा दिया है फ्रांस को इन अ वॉर। ठीक, मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बता दीजिए, इज दिस मच क्लियर टू एवरीवन। फिजिक्स क्लास कब से स्टार्ट होगी मैम? फिजिक्स का पेपर जैसे ही एंड होगा आपकी फिजिक्स की क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी, डू नॉट वरी फॉर दैट। यहां तक क्लियर हो गया, मुझे कॉमेंट सेक्शन में आंसर करके बता दीजिए एवरीबडी। Definitely UP board students can also watch this session because ultimately आपकी books तो same चल रही हैं। अगर आपके यहाँ भी Flamingo चल रही है, आपके यहाँ भी Vistas चल रही है, so आप ये वाले lectures देख सकते हो जो यहाँ पर पढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, फाल्गुनी कह रही है इसमें हम palpable, वो फाल्गुनी। रेहान, which kind of help you want? Definitely you can ask your doubts. रौनक, chapter complete होने के बाद हम poem पे ही जाएंगे, ठीक। तो आई वुड लाइक टू आस्क टू और थ्री क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस। सबसे पहला मुझे बताओ जल्दी से, जब फ्रांस और प्रशिया का वॉर चल रहा था तो वो टाइम कौन सा बताया गया है, व्हाट वाज द टाइम इट वाज, कौन से ईयर का मेंशन किया गया है जब फ्रांस और प्रशिया के बीच में वॉर चल रहा था, आंसर करके बताइए। मैम वी आर हैविंग बोर्ड एग्जाम्स, तने आर यू इन क्लास ट्वेल्थ नाउ और यू आर गिविंग द एग्जाम ऑफ क्लास ट्वेल्थ? श्योर बेटा, सुमेश एमसीक्यू पैटर्न और आपका डिटेल वाला पूरा डिस्क्रिप्टिव दोनों ही करवाऊंगी, डू नॉट वरी फॉर दैट, परेशान मत हो आप। जैसे जैसे पेपर्स खत्म होते जाएंगे ना वैसे वैसे क्लास स्टार्ट होती जाएगी। वेरी गुड, सुमेश इज आंसरिंग 1870 एंड 1871। रौनक इज आंसरिंग मैम 79 नहीं था बेटा, 70 और 71 था। वेरी गुड, अच्छा व्हाट वर दी टू डिस्ट्रिक्ट, वो कौन सी दो डिस्ट्रिक्ट थी जिस पर अब प्रशिया का कब्जा था, फ्रेंच की वो कौन सी दो डिस्ट्रिक्ट थी जिस पर अब प्रशिया का कब्जा था, द टू डिस्ट्रिक्ट्स, कैन यू मेंशन दैट? वेरी गुड, 1870 एंड 1871, ग्रेट। वायरल, मैं आपसे बहुत गुस्सा हूं, पता है ना आपको, गलत बात बोली थी आपने, मैं सबके कॉमेंट्स पढ़ रही थी, थोड़ा सा पेशेंस। ओ विशाल हाय, अल्सास एंड लॉरेन, वेरी गुड फाल्गुनी, वेरी गुड, वेरी नाइस। सो द टू डिस्ट्रिक्ट वर अल्सास एंड लॉरेन। ठीक, अब ऐसे ही मैं करूंगी, एक आप लोगों को स्लाइड में खत्म करवाऊंगी, उसके बाद फिर मैं दूसरी स्लाइड पर जैसे ही पहुंचूंगी उसको पढ़ाने के बाद फिर मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगी। सो बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस कि मैम क्वेश्चन पूछेंगी, ठीक है। तो अब हमें यहां तक तो क्लियर हो गया कि क्या स्टोरी चल रही है, कहाँ पे स्टोरी का सेटअप करवाया गया, स्टोरी में क्या होने वाला है। ठीक, अब स्टोरी की शुरुआत होती है यहां से। And here the story starts with I. As I told you, यहाँ पर I एक छोटा सा बच्चा है, school going boy है, और वही अपनी कहानी को सुना रहा है। दो conditions होती हैं बेटा, एक वो होता है कि कभी कभी author ही story के narrator होते हैं, author ही story को सुना रहे होते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि author अलग होता है और narrator अलग होते हैं। So यहाँ पर author है Alphonse Daudet और आपके जो narrator हैं वो एक छोटा सा बच्चा है I, ठीक है। इसका नाम है फ्रांस, फ्रांस का रहने वाला फ्रांस, ओके। तो आई एज द नरेटर ऑफ द स्टोरी, ही सेड दैट आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कूल ऑफ अ स्कोल्डिंग स्पेशली बिकॉज ऑफ एम हैमल हैड सेड दैट ही वुड
question us on participles and I did not know the first word about them. ना बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ही प्यार से. What is the meaning of the word great dread of a scolding? Scolding का मतलब होता है डांट पिटना, ठीक है, जब आपको कोई जोर से डांट दे तो. तो great dread of का क्या मतलब होता है? जब आपको डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई आपको डांट दे या फटकार दे. डन. सो आई जो कि एक स्कूल गोइंग बॉय है जिसका नाम है फ्रांस, कह रहा है उस दिन मैं स्कूल के लिए बहुत लेट चला. अब ये अपने किसी टाइम की कहानी सुना रहा है, कोई ड्यूरेशन होगा, जैसे आप किसी टाइम का किस्सा सुना रहे होते हो. तो ये किस टाइम का किस्सा सुना रहा है? जिस दिन इसके स्कूल टीचर का, जो कि इसको फ्रेंच पढ़ाते थे, उनका लास्ट डे था स्कूल में, ठीक है. तो ये उस दिन की कहानी बता रहा है कि उस दिन मैं अपने घर से बहुत लेट चला स्कूल के लिए, वेरी लेट दैट मॉर्निंग, ओके. और मुझे डर था, आई वॉज इन फियर, आई वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग. क्यों? स्पेशली बिकॉज एम हैमल. अब एम हैमल कौन है? एम हैमल इज द टीचर. और ये टीचर किसके हैं? ये फ्रांस के टीचर है. और ये क्या पढ़ाते हैं? फ्रेंच पढ़ाते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज. डन. सो एम हैमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल. क्योंकि एम हैमल ने इन लोग को एक होमवर्क दिया था एंड द होमवर्क वॉज ऑन पार्टिसिपल्स. आपने लैंग्वेज पढ़ा होगा, इंग्लिश लैंग्वेज. तो इंग्लिश लैंग्वेज में भी जब आपको वर्ब पढ़ाई जाती है तो उसमें जेरेंड्स पढ़ाए जाते हैं और पार्टिसिपल्स पढ़ाए जाते हैं, ठीक है, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज का एक पार्ट है. तो ऐसे ही फ्रेंच लैंग्वेज में सीखने के लिए हो सकता है ये फ्रेंच का कोई चैप्टर हो जिसमें पार्टिसिपल्स पढ़ाए जा रहे हो, ठीक. तो एम हैमल ने क्या कहा था अपने स्टूडेंट से कि सुनो, उस दिन मैं तुम लोगों से पार्टिसिपल्स से क्वेश्चंस करूंगा, अच्छे से पढ़ करके आना. एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम. और यहाँ पे फ्रांस कहता है, ओ मुझे तो कुछ भी नहीं आता था, मुझे तो पार्टिसिपल का पी भी नहीं आता था, मैं क्या करता, तो मुझे बहुत डर लग रहा था, इसी वजह से मैं बहुत लेट से स्कूल जाने की सोचा कि ना ही एम हैमल मुझे देखेंगे और ना ही वो मुझसे सवाल जवाब करेंगे, ठीक है. मुझे जल्दी से बताइए, इज दिस मच डन? समझ में आ गया? आयो एवरीबॉडी. मैम आप PYQ भी कराइएगा. थैंक यू मैम फॉर प्रोवाइडिंग अस दिस मच क्वालिटी ऑफ इंग्लिश. डेफिनेटली बेटा, PYQ भी करवाऊंगी, MCQ भी करवाऊंगी. आप बस ये सोचो लास्ट मोमेंट पे जब आप अपना एग्जाम देने जाओगे ना, तो आपको ये लगेगा कि आई विल स्कोर फुल, ठीक. अभी 12th का एग्जाम हुआ, अच्छे से प्रेपरेशन करवाई गई उन सभी बच्चों को फुल प्रॉपर, तो अभी भी मैं करवाऊंगी. फाल्गुनी कह रही है, यस मैम पाल्पेबल. चलो इन शॉर्ट मैं फिर से एक ओवरव्यू दे देती हूँ ये वाले पार्ट का, बहुत ध्यान से सुनिएगा. आए जो कि नरेटर ऑफ द स्टोरी है जिसका नाम है फ्रांस, फ्रांस कहता है कि मैं एक कहानी सुना रहा है वो एक टाइम की, जिस दिन उसके स्कूल के टीचर का आखिरी दिन है, ठीक है, अपनी क्लास लेने का, वो भी फ्रेंच लैंग्वेज का. तो कह रहा है उस दिन मैं बहुत लेट से अपने स्कूल में गया क्योंकि मुझे पार्टिसिपल्स याद नहीं थे. और पार्टिसिपल्स वो चैप्टर है जिसके ऊपर एम हैमल, जो कि उसके टीचर हैं फ्रेंच के, वो क्वेश्चन पूछेंगे. तो वो कहता है कि इसी वजह से मैं बहुत लेट से चला स्कूल के लिए क्योंकि मुझे पार्टिसिपल का पी भी नहीं आता था. सिर्फ इतना यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है. चलो तो मैं सबसे पहले क्वेश्चन आप लोगों से पूछूंगी, व्हाट इज द नेम ऑफ द बॉय, द स्कूल गोइंग बॉय हु इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी, पहले ये बताओ, ठीक है, नरेटर ऑफ द स्टोरी बताओ, पहला क्वेश्चन. दूसरा क्वेश्चन, टीचर का नाम बताओ, व्हाट वाज द नेम ऑफ द टीचर. थर्ड क्वेश्चन, व्हाट वाज द टॉपिक दैट वाज आस्क्ड बाय एम हैमल टू बी प्रिपेयर्ड. बच्चों से उन्होंने क्या बोला था कि कौन सा टॉपिक आपको प्रिपेयर करके आना है फ्रेंच लैंग्वेज का. वेरी गुड फ्रांस, वाओ. हाँ तो तने, यू आर इन क्लास 12th ना, तो आप मत पढ़ो उसको, ये उन बच्चों के लिए जो 11th से 12th में आए. वेरी गुड. सो द नेम ऑफ द नरेटर इज फ्रांस एंड द नेम ऑफ द टीचर इज एम हैमल एंड द टॉपिक विच द एम हैमल इज गोइंग टू आस्क टू हिज स्टूडेंट इज पार्टिसिपल. ओके वेरी गुड. फाल्गुनी इज आंसरिंग, मैम द बॉय नेम इज फ्रांस एंड द टीचर नेम इज एम हैमल, ही टोल्ड द स्टूडेंट टू प्रिपेयर फॉर पार्टिसिपल्स. वेरी गुड, वेरी नाइस, डन. चलो अब आगे बढ़ते हैं. ऐसे ही मैं हर स्लाइड के बाद क्वेश्चन पूछूंगी, ध्यान से आंसर करिएगा आप लोग.
फॉर अ मोमेंट, कुछ क्षण के लिए आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स. डे आउट ऑफ डोर्स का मतलब क्या है? बाहर रहते हैं, मतलब ना ही क्लासरूम में जाते हैं ना घर जाते हैं. जो फ्रांस था उसका मन कर रहा था कि वो बाहर ही रहता है, क्योंकि उसे अंदर जाने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, ना स्कूल के अंदर ना घर के अंदर. वाई ही वॉन्ट्स टू स्पेंड डे आउट ऑफ डोर्स, क्यों वो घर से बाहर रहना चाहता था, इसका रीजन भी फ्रांस ने दिया. इट वॉज सो वार्म, सो ब्राइट, कह रहा है बाहर का मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, एकदम धूप निकली हुई थी, गरम गरम मौसम था. अब आप ये सोचोगे कि हमारे इंडिया में जब बहुत तेज धूप चमचमाती है और खूब सारी गर्मी होती है तो कितना इरिटेशन होता है. बट ये जो जगह है फ्रांस, यहाँ पर जनरली क्या पड़ती है ना, ठंड पड़ती है, तो यहाँ पर हल्की फुल्की धूप निकलती है या थोड़ा सा गर्म पड़ता है ना, तो लोगों को अच्छा लगता है, दे लव दैट. तो इसी वजह से ये जो बच्चा है फ्रांस, इसको बाहर धूप में घूमना बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही प्यारी सी फीलिंग आ रही है इसको बाहर घूमने में. इसी वजह से वो बोल रहा है कि बाहर का मौसम बहुत अच्छा था, इट वॉज वार्म एंड इट वॉज ब्राइट. ब्राइट मतलब चमकीला, खूब रोशनी थी. द बर्ड्स वर चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, जंगलों की तरफ से चिड़ियों के चहचहाने की आवाज आ रही थी, चू 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 करके चिड़िया चहचहा रही थी. एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल द प्रशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग. अब वो कह रहा है कि जंगलों से चिड़ियों की चहचहाने की आवाज आ रही थी, और क्योंकि बहुत सारे जर्मन सोल्जर्स अब यहाँ पर रहना शुरू कर चुके थे, क्योंकि उन्होंने फ्रांस के ऊपर कब्जा कर लिया था, तो दे वर डूइंग एक्सरसाइज. आपने सुना होगा ना कि जो सोल्जर्स होते हैं वो ऐसे मार्च पास टाइप की करते हैं, तो धम 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 करके आवाज आती है उनकी. ठीक, तो यहाँ पे वही चीज लिखी हुई है कि पीछे जो सॉमिल के पीछे वाला पोर्शन था, जहां पर लोग क्या कर रहे थे, मार्च पास कर रहे थे, या सोल्जर्स अपनी ऐसे मार्च पास कर रहे थे, तो उससे क्या हो रहा था, ड्रिल आवाज आ रही थी, एक्सरसाइज करने की आवाज आ रही थी, धम धम की आवाज आ रही थी, जो बहुत अच्छी लग रही थी सुनने में. इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग. टेम्पटिंग का मतलब होता है अट्रैक्टिंग. फ्रांस कहता है वाह कितना इंटरेस्टिंग है, बाहर का मौसम इतना मजेदार है, चिड़ियों की चहचहाने की आवाज आ रही है, सोल्जर्स मार्च पास्ट कर रहे हैं या फिर ड्रिल कर रहे हैं, वाह सो अमेजिंग, मन ही नहीं कर रहा उसका स्कूल जाने का. नैन द रूल फॉर द पार्टिसिपल, उसे कहता है उसे मतलब ऐसा फील होता है, वो ऐसे कहता है कि ये सब चीजें तो बहुत अच्छी हैं, अब मैं स्कूल जाऊंगा, एम हैमल से मिलूंगा, फिर मुझे वहां पर उनके बोरिंग लेक्चर सुनने पड़ेंगे. ओ आई डोंट वांट दैट बिकॉज द आउटर एनवायरनमेंट इज वेरी वेरी अमेजिंग. बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रिजिस्ट एंड हर्रीड ऑफ टू स्कूल. लेकिन फिर फ्रांस कहता है कोई बात नहीं, इट्स ओके, अगर बाहर का मौसम इतना अच्छा है, बाहर सब कुछ इतना टेम्पटिंग है, इतना अट्रैक्टिव है, लेकिन फिर भी मेरे अंदर इतनी हिम्मत है कि मैं इन सारे टेम्पटेशंस को गुड बाय कह सकता हूँ, मुझे टेम्पटेशंस नहीं चाहिए, मैं स्कूल जाऊंगा. तो फ्रांस वाज लाइक दैट, आई एम अ गुड बॉय एंड आई नो हाउ टू डील विद मी, मुझे अच्छे से पता है कि मुझे अपने साथ कैसे डील करना है. सो ही इज वेरी मच श्योर अबाउट दैट कि उसे बाहर की चीजों में इन्वॉल्व नहीं होना, और उसे अपने टीचर से जाकर के पार्टिसिपल्स के लेक्चर्स लेने हैं या उसे क्वेश्चन आंसर्स करने हैं. और इसी वजह से वो तेजी से, हरिड ऑफ का मतलब है तेजी से भागा, और कहां की तरफ भागा, स्कूल के लिए. बताएं मुझे जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में आंसर करके, इतना क्लियर हो गया सभी लोगों को? Everybody, is this much palpable to everyone? सोमिल क्या होता है बेटा? सोमिल वो जगह होती है जहां पर लकड़ियों को काटा जाता है. अब देखो बगल में जंगल है, जंगल के पास ही एक मशीनरी टाइप की रख दी गई है जहां पे लकड़ियां काटी जा रही हैं, तो पूरा एक तरीके से पूरा सोमिल था वो, एक ऐसी मिल, एक ऐसी जगह, एक ऐसा एरिया जहां पर लकड़ियां काटी जा रही हैं. उसके पीछे क्या हो रहा था, बहुत सारे सोल्जर्स ड्रिल कर रहे थे, एक्सरसाइज कर रहे थे, धम धम करके मार्च पास कर रहे थे, आवाज आ रही थी. ओके, हेलो मैम, स्वागत नहीं करेंगे हमारा? बिल्कुल स्वागत कर दिया मैंने आपका. ओके, वेरी गुड मैम, दोबारा बता दो. दोबारा इसमें कुछ बताने वाला ही नहीं. फ्रांस स्कूल जा रहा था, लेकिन बाहर का जो एनवायरनमेंट था वो उसे स्कूल की तरफ जाने से थोड़ा सा रोक रहा था, क्योंकि बाहर बहुत अच्छा अच्छा टेम्पटेशन था. बाहर उसे क्या क्या दिखाई दे रहा है, खूब गर्म गर्म मौसम दिखाई दे रहा है, और सूरज की रोशनी चमकती हुई दिखाई दे रही है, और जंगलों से चिड़ियों की चहचहाने की आवाज आ रही है, और जो लकड़ी काटने की जगह है जहां पर मिल में लकड़ियां कटती हैं, उसके पीछे खूब सारी आवाजें आ रही थी. और वो आवाजें किसकी थी, वो सोल्जर्स की आवाजें थी, और वो क्या कर रहे थे, वो ड्रिल कर रहे थे, देवर एक्सरसाइजिंग,
इन अ वॉइस, तो वो अच्छी लग रही थी किसको, फ्रांस को. सो फ्रांस वॉज लाइक दैट, ओ कितना अट्रैक्टिव है ये, मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ. लेकिन फ्रांस कहता है मेरे अंदर इतनी हिम्मत थी, इतनी क्षमता थी कि मैं सब चीज़ों को अवॉइड कर सकता था और अपने वापस से लेक्चर के लिए जा सकता था. सो ही डिड दैट, सो क्योंकि वो एक अच्छा बच्चा है. बिल्कुल कर सकती हूँ, क्लास 3 PM पर स्टार्ट, कल से हो जाएगी, डू नॉट वरी फॉर दैट. हाय संगीता, क्वेश्चन पूछूं? अच्छा, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये आंसर करके बताएं, व्हाट आर द 3 थिंग्स, वो कौन सी 3 चीजें हैं जो कि फ्रांस ने अपने स्कूल के रास्ते में जब जा रहा था वो, तब उसने देखी और जो बहुत ही टेम्पटिंग थी, बहुत ही अट्रैक्टिव थी. सो मेंशन एनी 3 थिंग्स दैट वर रियली वेरी अट्रैक्टिव एंड विच कैन बी सीन बाय एनी वन, और वो बहुत ही टेम्पटिंग भी थी. पहला कौन सा था, पहला पॉइंट क्या बताओगे आप? द सनलाइट. अनदर पॉइंट इज एवरीबॉडी. द सोल्जर्स वर ड्रिलिंग एंड द बर्ड्स वर चॉर्पिंग. एंड वेयर द बर्ड्स वर चॉर्पिंग, द बर्ड्स वर चॉर्पिंग इन द वुड्स. वुड्स का मतलब होता है जंगल, ठीक है, वुड्स का मतलब है जंगल, फॉरेस्ट. और सोमिल का मतलब है अ मिल वेयर मशीन्स आर कट, वेयर वुड इज कट विद द हेल्प ऑफ मशीन. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. बर्ड्स वर चॉपिंग, वार्म वेदर, ब्राइट सनलाइट एंड द मार्च पास्ट और द ड्रिलिंग ऑफ द सोल्जर्स. ओके, नॉट इन हिंदी, यू पीपल नीड टू टेल इट इन इंग्लिश. ओके, आपको इंग्लिश में बताना है ये. वेरी गुड, वायरल में आपसे गुस्सा हूं, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. नाउ लुक एट दिस, व्हेन आई पास द टाउन हॉल, ओके, देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड. नाउ जस्ट लुक एट दिस, देयर इज अ बॉय फ्रांस हु इज गोइंग टू स्कूल, राइट, तो रास्ते में उसे क्या क्या दिख रहा है, वो सारी चीजें बता रहा है. फिर वो कहता है कि अचानक से मैं कहां पे आ गया, टाउन हॉल के पास आ गया. नाउ व्हाट इज टाउन हॉल, टाउन हॉल इज अ गवर्नमेंट बिल्डिंग, ठीक है, सरकार की बनाई हुई एक बिल्डिंग. तो वो सरकार की बनाई हुई बिल्डिंग के पास से गुजरता है. अब सरकार की बनाई हुई जो बिल्डिंग है उसके बाहर एक नोटिस बोर्ड लगा हुआ है, जैसे हमारे यहाँ नोटिस बोर्ड लगते हैं ना स्कूल में, वैसे ही वहां पे बाहर बुलेटिन बोर्ड्स लगते हैं. सो बुलेटिन बोर्ड इज अ काइंड ऑफ नोटिस बोर्ड, ठीक है. तो देखो इसे वहां पर क्या दिखाई देगा, कह रहे फॉर द लास्ट 2 ईयर्स ऑल बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर. वो कहता है कि ये जो गवर्नमेंट बिल्डिंग थी इसके बाहर जो बोर्ड लगा हुआ था, दैट वाज बुलेटिन बोर्ड, जैसा हमारे स्कूल के बाहर होता है, तो उसमें सारी सारी बुरी बुरी न्यूज़ आती थी, बैड न्यूज़ आती थी जो बहुत बुरी होती थी. स्पेशली जब आप उसको पढ़ोगे ना तो आपको रोना सा जाएगा, इतनी बुरी सी होती थी. क्यों बुरी होती थी, क्योंकि फ्रांस से रिलेटेड जितनी भी बैड न्यूज़ होती थी वो सारी की सारी बुलेटिन बोर्ड में आती थी, राइट. कौन कौन सी न्यूज़ है देखना, लॉस बैटल्स, ओ फ्रांस क्या कर गया, फ्रांस हार गया कोई भी जंग, द ड्राफ्ट अब क्या होना है, कौन सी जगह आकर के यहाँ पर कब्जा करने वाली है, या क्या नया होने वाला है, कौन से रूल्स चेंज हो रहे हैं, कौन से सिस्टम्स चेंज हो रहे हैं, सब कुछ यहीं पर ही पता चलता था. द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, अब जो भी नई रूलिंग पार्टी आने वाली है, जो भी नया रूल आने वाला है, वो क्या क्या ऑर्डर्स देगा, किस तरीके से सिस्टम चलेगा, किस तरीके से सिस्टम नहीं चलेगा. सो एवरीथिंग विच वॉज बैड अबाउट फ्रांस, फ्रांस के लिए जो जो चीजें बैड थी, बुरी थी, वो सारी की सारी आपको कहाँ मिलती थी, यहाँ इस बुलेटिन बोर्ड में जो कि गवर्नमेंट बिल्डिंग के बाहर लगा हुआ था, राइट. सो यू नीड टू रिमेंबर दीज 3 थिंग्स, लॉस बैटल्स, ऑल द ड्राफ्ट जो कि बाहर से आ रहे हैं, एंड ऑल द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, जो भी रूलिंग ऑफिसर होने वाला है, जो भी कमांडिंग ऑफिसर होने वाला है, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देता था. एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, वॉट कैन बी द मैटर नाउ. तो ही वॉज सेइंग दैट जब वो उस गवर्नमेंट बिल्डिंग के पास से गुजर रहा था, वहां पर बहुत भीड़ लगी हुई थी बुलेटिन बोर्ड के पास, और बुलेटिन बोर्ड में क्या आती थी, हमेशा बुरी न्यूज आती थी. तो फ्रांस को क्या लगता है कि इस बार भी कोई ना कोई बहुत घटिया सी न्यूज आई होगी जो फ्रांस के लिए बुरी ही होगी. तो फ्रांस सोच रहा था, ओह अब कौन सी घटिया बुरी बेकार सी न्यूज आई होगी, आई डोंट नो, बट बुरी ही होगी इतना पता है, राइट. बताए, क्लियर हो गया?
जल्दी से एवरीबडी. क्लास टाइम मैम, द टाइमिंग ऑफ द क्लास इज 3 PM. ओके. इट्स ओके वायरल, मैंने माफ कर दिया. चलो क्वेश्चन पूछूं. चलो तो अब मेरा क्वेश्चन ये होने वाला है, व्हाट फ्रांस हैज सीन आउटसाइड द गवर्नमेंट बिल्डिंग और द टाउन हॉल. तो टाउन हॉल के बाहर जो बुलेटिन बोर्ड था, नियर द बुलेटिन बोर्ड, फ्रांस ने क्या देखा? व्हाट ही हैड सीन, क्या देखा उसने, बताओ. क्वेश्चन सुन लिया, आंसर करिए. आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स. अ लार्ज क्राउड. नो, नॉट लॉस्ट बैटल्स, ऑर्डर ऑफ कमांडिंग ऑफिसर. नो, व्हाट आई एम आस्किंग, आई एम आस्किंग कि जो बुलेटिन बोर्ड है टाउन हॉल के बाहर लगा हुआ, उसके बाहर क्या देखा फ्रांस ने आउटसाइड द टाउन हॉल. व्हाट ही वाज सीइंग. No, what I have asked, कि ये जो टाउन हॉल है, ठीक है ना, आउटसाइड द टाउन हॉल, नियर द बुलेटिन बोर्ड, जो बुलेटिन बोर्ड है ना उसके पास, what France has seen, तो उसने क्या देखा था? Basically he had seen a large crowd gathered over there. तो उसने बहुत बड़ा क्राउड देखा था कि वो वहां पे इकट्ठा है, ठीक है. तो उसने सोचा कि क्या हो सकता है. तो जैसा कि उसको पता था कि बुलेटिन बोर्ड पे हमेशा क्या आता है, वही इस बार भी आया हुआ होगा, राइट. सो अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछती कि बुलेटिन बोर्ड पर हमेशा कैसी न्यूज आती थी, तो आप बताओगे कि बुलेटिन बोर्ड पर हमेशा बैड न्यूज आती थी, एंड वो कौन कौन सी बैड न्यूज है जो कि हमेशा उस पर देखने के लिए मिलती थी. सो इफ आई आस्क दिस कि व्हाट वर द 3 बैड न्यूज दैट हैव बीन मेंशनड ओवर हियर, यहाँ पर मेंशन करी गई है, वो कौन सी बैड न्यूज है जो कि यहाँ पर अक्सर देखने के लिए मिलती थी, तो तब आप इसका आंसर करोगे. या क्राउड ऑफ पीपल. अब बताओ वो कौन सी 3 बुरी न्यूज है जो कि यहां पर देख रहा था अक्सर फ्रांस बुलेटिन बोर्ड पर. व्हाट वर द 3 बैड न्यूज व्हिच वाज सीन बाय फ्रांस. ओके. वेरी गुड. लॉस्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट एंड द ऑर्डर्स बाय द कमांडिंग ऑफिसर. वेरी वेरी नाइस. ठीक, नाउ लुक एट दिस. नाउ अभी हम लोगों ने कहां तक पढ़ा, अभी हम लोगों ने यहां तक पढ़ा कि अब कौन सा मैटर हो सकता है, ये सोच रहा है कौन, फ्रांस. देन एज आई हर्रीड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो, द ब्लैक स्मिथ, द वॉशर हु वॉज द विद हिज अप्रेंटिस रीडिंग द बुलेटिन कॉल्ड आफ्टर मी, डोंट गो सो फास्ट बब, You will get to your school in a plenty of time. तो अब देखो जब वो रास्ते में जा रहा है और जब वो न्यूज़ वगैरह को देख रहा है, तो उसको लगता है कि अरे बाप रे, कहीं मैं बहुत ज़्यादा लेट ना हो जाऊँ, ऑलरेडी मैं बहुत लेट हो गया हूँ, राइट. तो वो क्या करता है, वो भागता है. As I hurried by fast, as fast as possible, वो बहुत तेजी से भागने की कोशिश करता है स्कूल की तरफ. तो जब वो स्कूल की तरफ भागने की कोशिश करता है, तो उसे एक ब्लैकस्मिथ दिखाई देता है, वॉशर दिखाई देता है, और जो ये बंदा है वॉशर, वो अपने अप्रेंटिस के साथ है, ठीक है. तो ब्लैकस्मिथ कौन होता है, ब्लैकस्मिथ होता है लोहार, जो लोहे का काम करता है, इसका नाम क्या है, वॉशर. तो ये क्या कर रहा था, बेसिकली ये अपने अप्रेंटिस के साथ, अपने अप्रेंटिस मतलब अपने ट्रेनी के साथ, जिसको ये ट्रेन कर रहा है, जो उसका साथी है, जिसके साथ ये काम कर रहा है, उसके साथ बैठा हुआ काम कर रहा था. इसने देखा कि फ्रेंड्स भागता हुआ जा रहा है स्कूल की तरफ, तो वो फ्रेंड्स को जोर से चिल्ला करके बुलाता है बब. और बब का मतलब क्या है, बबा छोटे से बच्चे को बोलते हो, एक जब बहुत आप अग्रेसिव होकर के और रूड वे में किसी को बुलाते हो, हे बब वेट, रुको. तो ऐसे करके वो बब करके बुलाता है किसको, फ्रांस को. तुम अपने स्कूल बहुत आराम से पहुंच जाओगे, तुम्हारे पास बहुत टाइम है, इतनी जल्दी जल्दी मत भागो.
सो एक तरीके से यहाँ पर शो किया गया है कि जो ब्लैकस्मिथ था वो थोड़ा सा गुस्से में था, क्योंकि उसे भी बुरा लग रहा था कि अब यहाँ पर जर्मन की रूलिंग स्टार्ट होने वाली है। इसी वजह से वो गुस्से से बब को बुलाता है कि तुम्हें इतनी जल्दी से जाने की जरूरत नहीं है, आराम से जाओ, तुम्हें क्लास मिल जाएगी। नाउ आई थॉट, सांस कहता है मैंने सोचा, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, वो मेरा मजाक उड़ा रहा है। एंड रीच्ड एम हैमल्स लिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। ऑल आउट ऑफ ब्रेथ का मतलब क्या होता है? हाफना शुरू कर देना, ठीक है? जब आप तेजी से भागते भागते कहीं पे जाते हो ना, तो आपकी सांस ऊपर नीचे होने लगती है और आप हाँफने लगते हो बहुत जोर जोर से, ठीक है, गैस्प करते हो। तो यहाँ पर फ्रांस क्या बता रहा है हमें कि मैंने उसकी बातों का ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा है। मैं भागते भागते कहाँ पहुंचा, एक छोटे से गार्डन में, छोटा सा क्यूटू सा प्यारा सा गार्डन, वो किसका है? एम हैमल का। तो एम हैमल ने अपने स्कूल के बाहर एक छोटा सा गार्डन बना के रखा हुआ था, वहीं पर फ्रांस पहुंचता है और फ्रांस बहुत ज्यादा आउट ऑफ ब्रेथ हो रखा होता है, मतलब वो जोर जोर से हाँफ रहा होता है जो भागते टाइम हम लोग हो जाते हैं। Then, फिर क्या हुआ? Can I usually, when school began, there was a great bustle. अब वो कहता है कि जब भी मैं स्कूल जाता था या स्कूल की जब शुरुआत होती थी तो स्कूल में बहुत शोर शराबा होता था। बसल का मतलब है बहुत सारा शोर, बहुत सारा हल्ला गुल्ला, ठीक। तो अभी पहले मुझे फटाफट कॉमेंट सेक्शन में आंसर करके बता दीजिए कि आप लोग को इतना क्लियर हो गया यहाँ तक। कोई बात नहीं, साउंड्स लाइक सेम ना, वॉशर डब्ल्यू ए टी सी एच ई आर लिखाओ, वैसे होना तो नहीं चाहिए बेटा, यही होना चाहिए, एक बार चेक कर लेना वॉशर, क्योंकि मैंने पीडीएफ उठाया है ऑनलाइन एनसीईआरटी का, तो वहां से मैंने ये निकाला है। ओके, यस मैम, पाल्पेबल, ओके ग्रेट मैम, क्वेश्चन पूछ रही हूँ, इतना क्लियर हो गया? तो आप मुझे ये बताइए, Meanwhile, जब वो जा रहा होता है अपने स्कूल की तरफ, तो उसे रास्ते में कौन मिलता है? Whom he met, ठीक है? और ये जिस भी पर्सन से मिलता है वो उसको किस नाम से बुलाता है? By which name he called Franz, वो फ्रांस को किस नाम से बुलाता है? Crystal, that's surely very nice. ओके, वेरी गुड, ब्लैकस्मिथ मिलता है, क्या नाम है उसका? वॉशर नाम है उसका। और वो किसके साथ बैठा हुआ है? अपने अप्रेंटिस के साथ। अप्रेंटिस का मतलब क्या होता है? ट्रेनी। राम राम मैम जी, राम राम, खुश रहिए। बब, बब, बब का मतलब क्या होता है? अग्रेसिव टोन में जब आप किसी बच्चे को बुलाते हो ना, तो उसका मतलब होता है बब, वेट। ओके, वेरी गुड। सो कौन मिला रास्ते में उसे? ब्लैकस्मिथ मिला, राइट? और ब्लैकस्मिथ उसको किस नाम से बुला रहा है? बब नाम से बुला रहा है। और उसने क्या बोला, ब्लैकस्मिथ ने उसे क्या बोला कि अभी बहुत टाइम है, रुक जाओ, अभी बहुत टाइम है, आराम से जाओ, है ना? तो लेकिन फिर भी वो भागते हुए गया, बिकॉज ही वॉज फीलिंग लाइक कि उसका मजाक उड़ा रहे हैं। जब वो वहां पहुंचा तो वो वहां पे क्या देख रहा है कि जनरली जो शोर शराबा वहां पर उसको अक्सर दिखाई देता था क्लास में, आज थोड़ा सा डिफरेंट माहौल है। सो यूजुअली का मतलब होता है अक्सर। When school began, जब स्कूल की शुरुआत होती थी, there was a great bustle, बहुत शोर शराबा होता था स्कूल में, which could be heard out in the street. वो कहता है, even इतना शोर होता था कि आप उसे गलियों के बाहर भी सुन सकते हो, उस स्कूल की शोर शराबे को। किस किस चीज का शोर होता था वहां पे? द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क। बच्चे क्या करते थे? डेस्क को ऐसे खोलते थे, अंदर बैठते थे, चेयर अंदर करते थे, फिर उसको ऐसे करके बंद कर देते थे। सो चेयर बार बार खुलने बंद होने की आवाज आती थी, क्योंकि कभी कोई बच्चा जाता है, फिर कोई बच्चा जाता है, फिर कोई बच्चा जाता है, तो बहुत शोर शराबा आ रहा है डेस्क का। दूसरा, lessons repeated in unison. Unison का मतलब है together. खूब सारे बच्चे जोर जोर से पढ़ते हैं। जैसे अभी भी आप लोग देखोगे तो बहुत सारे स्कूल में छोटे छोटे बच्चे रिपीट करते हुए सुनाई देते हैं, A for apple, B for ball, C for cat, है ना? तो बड़ा आम आम, ऐसे करके भी बहुत सारे लोग पढ़ते हैं इन यूपी और इन इंडिया, राइट? बहुत सारे स्कूल्स में। तो वहां पर भी बच्चे फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़ रहे थे, वो जोर जोर से शाउट कर करके एक साथ एक चिल्लाने वाली आवाज में पढ़ रहे थे। तो ये दूसरी आवाज थी बच्चों के चिल्लाने की, साथ में चैप्टर को रीड करने की। वेरी लाउड, बहुत तेज होती थी, इतनी तेज कि कोई भी आराम से सुन सकता है। विद आवर हैंड्स और आवर इयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर,
और फिर यहाँ पर फ्रांस बताता है कि ये वाली हम लोग एक्टिविटी कुछ इस तरह से करते थे कि हम अपने कानों को अपने अपने हाथों को अपने कानों पर रख लेते थे और फिर जोर जोर से एक साथ रिपीट कर रहे होते थे वर्ड्स को, ताकि हम लोग अच्छे से इस चीज़ को समझ पाए, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो और ज़्यादा बेटर हो पाए. एंड द टीचर्स ग्रेट रूल रैपिंग ऑन द टेबल. और तीसरी आवाज़ जो इनको सुनाई देती थी वो कौन सी थी, वो थी टेबल पर टीचर के जो स्केल था, जो उनकी छड़ी थी, उसकी रैपिंग की. तो जिस टाइम पे बच्चे लेसन को रिपीट कर रहे होते थे, उस टाइम एम्हामिल क्या करते थे, वो अपनी स्टिक को लेकर के ऐसे जोर जोर से टेबल पर ऐसे टाप टाप करके मारते रहते थे कि बच्चे कॉन्टिन्यूसली पढ़ते रहे, वो रुके ना. ठीक, तो ये क्या बता रहा है फ्रांस ये बता रहा है कि यूजुअली ऐसा माहौल रहता था हमारे स्कूल का, क्लास का, कि उसके चिल्लाने की आवाज, शोर की आवाज बाहर तक सुनाई देती थी. यूजुअली ऐसा होता था. तीन आवाजें कौन कौन सी हैं, क्लियर हो गया, ठीक है. लेकिन आज आप देखोगे, बट नाउ इट वॉज ऑल स्टिल. लेकिन आज सब कुछ क्या था, इट वॉज ऑल साइलेंट, शांत था. ओके, मुझे बताइए कॉमेंट सेक्शन में, इतना क्लियर हो गया सभी लोगों को? बातें कर रहे हो आपस में ही? हाँ, सेशन को ना शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को कनेक्ट करो यहाँ पर. बताएं, दिस मच इज क्लियर टू एवरीवन? सौरभ, शिक्षा नहीं है, गर्ल्स हैं, बताओ जल्दी से. यस मैम, अक्षिता कह रही है यस मैम. व्हाट अबाउट रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स? माय नेम इज माय इंस्टाग्राम नेम, रुबेका. ओके, यस मैम, क्लियर. तो फटाफट कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर करके बता दो, वो कौन सी तीन आवाजें थी जो कि अक्सर स्ट्रीट पर सुनी जा सकती थी, दैट वो कमिंग फ्रॉम द क्लासरूम ऑफ एम्हामिल. एम्हामिल की क्लासरूम से जो तीन आवाजें अक्सर सुनी जाती थी स्ट्रीट पर, वो कौन कौन सी आवाजें थी? एक एक करके सारे लोग आंसर करना शुरू कर दो, और सब भी बच्चे आंसर करेंगे. मुझे ना वही परफेक्ट नोट. मैम, आई हैव नॉट माई पर्सनल नंबर, इट्स माई पापाज नंबर, इट्स ओके. शिक्षा, क्या आंसर करो जल्दी से. क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ द डेस्क, वेरी गुड. ओनली फाल्गुनी इज द वन हु इज लुकिंग सो सो सिंसियर, बहुत अच्छे से आंसर कर रही है वो. सेकेंड इज द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, एंड द सेकेंड इज very good the voice of Emhamel's stick which he was rapping on the table. Emhamel ki jo stick thi uski rapping ki awaaz aa rahi thi, jo wo bar bar kahan beat kar rahe the, on the table beat kar rahe the, right. ye ho gaya second. third kya tha? third tha the children were रीडिंग द चैप्टर इन यूनिसन, जब जोर जोर से वो वेरी लाउड वॉइस में एक साथ चैप्टर को रीड कर रहे थे. तीसरी आवाज वो थी. या वेरी गुड, रिपीटिंग द लेसन इन यूनिसन, डन. तो ये अक्सर होता था एम्हामिल की क्लास में, लेकिन आज ऐसा नहीं था. वो आज कौन सा दिन है? वो आज वो वाला दिन है जिस दिन एम्हामिल वो क्लास को छोड़ करके हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह देंगे, राइट. तो वो कह रहा है कि उस दिन बहुत शांति थी, ऐसा कुछ भी नहीं था. तो ये बहुत ही स्ट्रेंज था किसके लिए, फ्रांस के लिए, कि जनरली जो होता है वो आज नहीं है. आपको अजीब लगेगा ना जब आप रेगुलर बेसिस पे कुछ देख रहे हो, अचानक से वो चेंज हो जाए. सो आई हैड काउंटेड ऑन द कमीशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बींग सीन. अब देखो यहां पर क्या कह रहा है, ये कह रहा है, ओ मैंने क्या सोचा था, मैंने ये सोचा था कि जब मैं क्लास के अंदर जाऊंगा तो सब लोग शोर शराबा कर रहे होंगे, और उस शोर शराबे की आड़ में मैं चुपचाप जाकर के क्लास में बैठ जाऊंगा. लेकिन ऐसा तो हुआ ही नहीं, सब कोई शांत था. तो मैं अगर क्लास के अंदर एंटर लेता, इतनी देर में एंट्री लेता, तो मुझे बहुत ही इजीली देखा जा सकता था. सो ही वॉज लाइक, मैं जिस चीज पर डिपेंडेंट था, वो कॉमोशन, वो शोर शराबा, वो नॉइज, वो आवाजें, टू गेट माई डेस्क विदाउट बींग सीन, ताकि मैं चुपचाप अपनी डेस्क पे जाकर के बैठ जाऊं और कोई मुझे देखे भी ना. But of course, that day everything had to be as quiet as Sunday morning. लेकिन वो कह रहा है, बट ऐसा नहीं हो पाया.
मैंने जो प्लान बनाया था, मैंने जो सोचा था चुपचाप निकल लेने का, कट लेने का, वो प्लान मेरा फेल हो गया. वाई सो इट वॉज फेल? क्योंकि वहां पर जो माहौल हो रखा था वो बिल्कुल संडे मॉर्निंग का था. जैसे शांति रहती थी संडे मॉर्निंग को, वैसा माहौल था, तो कोई भी मुझे इजिली देख सकता था. Through the window, I saw my classmates already in their places and M. Hamel walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. Now, जो फ्रांस है वो क्या कर रहा है? वो अभी क्लास के अंदर एंटर नहीं हुआ, वो बाहर खिड़की से झांक रहा है कि अंदर का माहौल कैसा है. तो फ्रांस को क्या दिखाई देता है? फ्रांस को दिखाई देता है उसके सारे दोस्त अपनी अपनी सीट्स पर बैठे हुए हैं बहुत चुपचाप शांति से, और जो M. Hamel है वो कभी ऊपर की तरफ जाते हैं, कभी नीचे की तरफ आते हैं, और उनके हाथ में उनकी एक स्टिक है. वो स्टिक को वो कह रहा है वो टेरिबल आयरन रूलर, वो लोहे की जो छड़ी थी उनकी जिससे वो मारते थे. टेरिबल क्यों है वो? क्योंकि उससे फ्रांस को डर लगता है. फ्रांस हैज अ फियर ऑफ दैट रूलर. हो सकता है कभी मार पिटी हो उसको उस रूलर से बहुत सारी, तो उसे डर लगता था और वो उनकी बाजू में थी. ठीक है. नाउ आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबॉडी. यू कैन इमेजिन हाउ ब्लश्ड And how frightened I was. Blush का मतलब है शर्मिंदा. अब फ्रांस कहता है कि अब कुछ भी करो, मुझे ये काम तो करना ही था, मुझे क्लास के अंदर तो जाना ही था. तो अब जो फ्रांस है वो क्या करेगा? वो क्लास के अंदर एंटर करेगा. ठीक है. तो उसने दरवाजा खोला एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और फिर वो अंदर जाने लगा सबके सामने. राइट. तो अब यहाँ पर वो हमको क्या बता रहा है कि आप इमेजिन कर सकते हो, आप सोच सकते हो कि क्या हुआ होगा. What was happening around me? I was blushed. मैं बहुत शर्मिंदा हो गया था क्योंकि मुझे मेरे टीचर ने देख लिया था कि मैं लेट आया हूँ. एंड मैं बहुत डरा हुआ था. मैं डरा इसलिए हुआ था क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि M. Hamel मुझे डांटे और अपनी आयरन रूलर से मुझे पीटे भी. डन. बताया मुझे कमेंट सेक्शन में, इतना क्लियर हो गया सभी लोगों को? बहुत बातें करते हैं आप लोग. हाँ चलो स्टार्टिंग में बातें और लास्ट में पढ़ाई. चलो मैम, इस चैप्टर की नोट्स कैसे हम बनाएंगे? अभी मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आपको दे रही हूँ. मैं इसका शॉर्ट एक बार समरी भी आपको करवाऊंगी क्वेश्चन आंसर्स करवाने से पहले, तो वही आपके नोट्स होंगे. आपको ये पीडीएफ अड्डा 24/7 की ऐप पर मिल जाएगा. तो जब सेशन एंड होगा तो आप अपने फ़ोन में एक ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा अड्डा 24/7, तो आपको ये मिल जाएगा कम्प्लीट. ओके चलो ग्रेट. तो मैं क्वेश्चन पूछूँ. क्वेश्चन है मेरा, Why was France ashamed when he opened the door and entered the class? फ्रांस शर्मिंदा क्यों था जब उसने दरवाजा खोला, वो क्लास के अंदर एंटर कर गया? Because he was late. क्योंकि वो क्या था? वो late था for the school. और हर कोई उसे notice कर रहा था, and everybody was noticing him कि he was late. Very good, खुशी. शुभम is answering. Yeah, because France was late in the school. Very nice. चलो तो done ना, इतना हो गया. अच्छा नाउ अब यहाँ पर आप देखोगे कि हुआ क्या फ्रांस के साथ. आपको क्या लगता है M. Hamel ने क्या किया होगा? What was the reaction of M. Hamel जब M. Hamel को ये पता चला होगा कि एक बच्चा मेरी क्लास का बहुत लेट आया? But nothing happened. He was strange. मतलब he was getting a feeling like कि क्या हो गया ये, मतलब मुझे किसी ने कुछ कहा ही नहीं. So he was like, हाँ ऐसा भी होता है. M. Hamel saw me and said very kindly, go to your place quickly. M. Hamel ने मुझे देखा और उन्होंने मुझे बोला कि जाओ 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 अपनी प्लेस पर जाओ जल्दी से. लिल फ्रांस, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू. ओ लिल फ्रांस, तुम्हें पता भी है हम लोग तुम्हारे बिना ही क्लास को शुरू करने वाले थे. तुम्हें पता नहीं है तुम लेट हो गए हो, जल्दी से जाकर के अपनी सीट पर बैठो. सो दिस वॉज अ काइंड ऑफ स्ट्रेंज स्टेटमेंट विच वॉज कमिंग फ्रॉम M. Hamel एंड फ्रांस वॉज वेरी वेरी शॉक्ड. ये क्या हो गया?
मैं ऐसा कैसे सुन रहा हूँ, मुझे ऐसा कमेंट कैसे आ रहा है कि एम हैमिल जो कि हमेशा डांटते रहते हैं बच्चों को, मारते रहते हैं, वो मुझसे बोल रहे हैं कि ओ फ्रांस कम एंड सेट फास्ट, हम तो तुम्हारे बिना ही क्लास स्टार्ट करने वाले थे। तो ये बहुत हम्बल वर्ड थे, काइंड वर्ड थे, जो कि बहुत स्ट्रेंज थे किसके लिए, दीज वर्ड वॉज स्ट्रेंज फॉर फ्रांस, क्योंकि आज तक उसने कभी भी एम हैमिल के मुँह से इस तरह के शब्द नहीं सुने थे, राइट? सो यहाँ पर हम लोग पार्ट फर्स्ट की हमारी एंडिंग करेंगे, बट डेफिनेटली जब मैं आगे बढ़ूंगी तो मैं आप लोगों से क्वेश्चन जरूर पूछूंगी, दैट वुड बी द क्वेश्चन ऑफ द डे फॉर दिस चैप्टर, राइट? तो यहाँ पर पहले जाने से पहले, एंड तक जाने से पहले या क्वेश्चन ऑफ द डे देने से पहले, मैं आप लोगों को यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में आंसर करके बताइएगा। मुझे ये बताओ कि वाई ही वॉज नॉट सो हैप्पी विद द स्टेटमेंट ऑफ एम हैमिल, जो कि एम हैमिल ने उसको बोला कि प्लीज फ्रांस कम, तुम्हारे बिना ही हम लोग क्लास शुरू करने वाले थे। सो फ्रांस को बहुत अजीब क्यों लगा ये, वाई ही वॉज नॉट हैप्पी विद द स्टेटमेंट, वो बहुत खुश क्यों नहीं हुआ स्टेटमेंट को सुनकर के कि एम हैमिल तो बहुत अच्छे, जल्दी से बताइए। मैम मेरा रीडिंग पोर्शन वीक है, कैसे इम्प्रूव करूँ? आप टेंशन मत लो, मैं रीडिंग पोर्शन भी आपका इम्प्रूव करवाऊंगी, आपके मैं आपका राइटिंग सेक्शन भी इम्प्रूव करवाऊंगी, इवन मैं बताऊंगी आपको कि कैसे कैसे आप स्टेप बाय स्टेप प्रॉपरली एक चीज को लिखोगे, डन? चलो आपको क्यों लगता है कि फ्रांस को स्ट्रेंज फीलिंग क्यों आई होगी? आप ऐसे बोल सकते हो बिकॉज एम हैमिल ने पहले कभी ऐसा नहीं किया, इस तरह का बिहेवियर कभी एम हैमिल का पहले नहीं रहा, राइट? हाँ, एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड नहीं होता बेटा, एक्सपेक्टेड होता है, आंसर बिल्कुल सही कर रहे हो, ठीक है, बिकॉज उसने कभी ऐसा एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, हमेशा एम हैमिल बहुत रूली रहे, बहुत बॉसी रहे नेचर में, वो कभी भी बहुत फ्रेंडली नहीं रहे, सो ये बहुत ही स्ट्रेंज था। तो आई होप कि यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है, मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बता दीजिए एक बारी। बिकॉज फ्रांस रियलाइज दैट समथिंग इज रॉन्ग, ओके, यूजुअली हिज टीचर स्कोल्ड्स हिम बट टुडे ही डिडंट स्कोल्ड, वेरी नाइस, हम वेरी गुड, खुशी। तो यहाँ तक पार्ट वन आपको अच्छे से क्लियर हो गया, नाउ वी विल कम अप विद पार्ट टू इन द अनदर सेशन, ठीक है? बट जाते जाते मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे करके जाऊंगी जिसका आंसर आप लोगों ने मुझे आफ्टर द वीडियो कमेंट सेक्शन में करना है। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन, द थ्री टाइप्स ऑफ साउंड्स दैट कैन बी हर्ड इन द क्लास वर्ल्ड, वो तीन तरह की आवाजें जो कि एम हैमिल के क्लास से सुनाई देती थी वो कौन कौन सी थी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके दीजिएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस यू पीपल नीड टू गिव द आंसर ऑफ द सेशन ऑल्सो कि आपको सेशन कैसा लगा, और आपको इसके नोट्स फिर से मैं बता रही हूँ, आपने अगर अभी तक अंडर 24/7 की आपको डाउनलोड नहीं किया है कर लीजिए, इस सेशन का PDF आपको वहीं पर ही मिलेगा, राइट? और आप उस ऐप पर अपने डाउट्स भी पूछ सकते हो, तो आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, आपको वहां पर एक गूगल फॉर्म मिलेगा, आप उसे जाकर के भर दो, उसमें आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो और मुझसे अपने डाउट्स पूछ सकते हो, ठीक है? बाकी इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर करके देना, गॉट इट? चलो, सो विद दिस आई हैव कम टू द एंड ऑफ द सेशन, सेशन को मैं एंड कर रही हूँ, अगले सेशन में यानी कि कल मैं आऊंगी पार्ट टू के साथ, आप लोग जरूर जुड़िएगा मेरे साथ @sharp3, ओके? सो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, नो डाउट मैम, ग्रेट, नेक्स्ट पार्ट कब आएगा? टुमोरो @3 PM, ओके? डन, चलो, बाय एवरीवन, टेक केयर, गुड नाइट। हाँ, डेली क्लास होगी बेटा, यू विल गेट द क्लास ऑन डेली बेसिस।